1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ और इस पार्टीशन का सबसे बड़ा रीजन था ब्रिटेन। बट आज टाइम ऐसा आ चुका है कि ब्रिटेन खुद अलग होने वाला है और बहुत हाई चांसेस है हमें कुछ टाइम में ये पार्टीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि हमजा यूसुफ को स्कॉटलैंड का नया फर्स्ट मिनिस्टर बना दिया गया है। फर्स्ट मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की तरह ही होता है, बट इनके फर्स्ट मिनिस्टर बनने में खास बात क्या है? बात यह है कि फर्स्ट मिनिस्टर बनते ही इन्होंने ये बोल दिया कि इनकी कोशिश इस डायरेक्शन में रहेगी कि ये स्कॉटलैंड को इंग्लैंड से अलग कर सके। एक तरीके से स्कॉटलैंड के इंडिपेंडेंस के लिए इन्होंने बात करना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी आयरनी की बात यह है कि हमजा यूसुफ पाकिस्तान ओरिजिन के हैं और इस समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, जैसे कि हम सब जानते हैं, वो इंडियन ओरिजिन के हैं। तो अब दो वो लोग जिनके पार्टीशन का रीजन खुद ब्रिटेन था, तो अब वो लोग डिसाइड करेंगे कि क्या ब्रिटेन का पार्टीशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखो, जैसा हम जानते हैं कि स्कॉटलैंड अपने आप में एक देश है और इंग्लैंड भी अपने आप में एक देश है, तो पार्टीशन का मतलब क्या बनता है अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट देश हैं? तो देखो, बात यह है कि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड तीनों मिलके ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट बनते हैं। और अगर हमें स्कॉटलैंड के इंडिपेंडेंस के बारे में बात करनी है तो हमें उसके हिस्ट्री के बारे में समझना पड़ेगा। और फिर ये पूरी कहानी सुनने के बाद तुम अपना ओपिनियन खुद बताना कि क्या स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को अलग अलग हो जाना चाहिए। देखो, ये कहानी शुरू होती है रोमन डिक्टेटर जूलियस सीजर से। जूलियस सीजर ने दो बार अपनी आर्मी को ब्रिटेन में भेजा, बट वो कभी भी पूरे के पूरे ब्रिटेन को कब्जा करने में सक्षम नहीं हो पाया। कुछ हिस्सों को तो उन्होंने कब्जा कर लिया था, बट पूरा ब्रिटेन वो कब्जा नहीं कर पाए थे। इसके बाद नंबर आता है जूलियस एग्रीकोला का। एग्रीकोला ने अपनी टीम को स्कॉटलैंड में भेजा और टीम ने बोला कब्जा करना बहुत आसान है वहां पे, और एक बार अगर हमने कब्जा कर लिया तो हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। वैसे तो एग्रीकोला के लिए जीतना उतना आसान नहीं था, बट कुछ समय बाद वहां पे उन्होंने जीत हासिल करी और उसको सेलिब्रेट भी बहुत ज्यादा किया। पर ये जीत ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाई और रोम को स्कॉटलैंड को छोड़ना पड़ा। और इसके बाद ब्रिटेन और स्कॉटलैंड पे अटैक होता है वाइकिंग्स का। और वाइकिंग्स वगैरह पे हो सकता है तुमने बहुत सारे शोज या मूवी देखी होंगी। तो अब वाइकिंग्स के हमले से बचने के लिए सामने आए केनेथ मैकल्पिन। केनेथ मैकल्पिन ने सारे कबीलों को साथ में जोड़ा और सारे कबीलों को जोड़ के उन्होंने स्कॉटिश किंगडम बनाया और इस स्कॉटिश किंगडम के वो पहले राजा बने। और जैसे जैसे स्कॉटिश किंगडम बढ़ता जा रहा था, इंग्लैंड की उस पे नजर और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। और देखते ही देखते एडवर्ड वन नाम के राजा ने स्कॉटलैंड पे कब्जा कर लिया। बट विलियम वॉलिस नाम के एक आदमी ने इस चीज से बिल्कुल ही मना कर दिया। उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि इंग्लैंड स्कॉटलैंड पे कब्जा कर रहा है, तो उन्होंने इंग्लैंड में घुस के उन्हीं पे हमला कर दिया। ये सब देखने के बाद इंग्लैंड ने दोबारा से स्कॉटलैंड के ऊपर हमला कर दिया। पर इस समय तक विलियम वॉलेस के सारे रिसोर्सेस खत्म हो चुके थे, तो उन्होंने स्कॉटलैंड में बाकी कबीलों से हेल्प मांगना शुरू करा। बट उनको पता नहीं था बाकी सारे कबीले ऑलरेडी इंग्लैंड से मिल चुके थे और उन्होंने मिलकर विलियम वॉलेस को पकड़वा दिया, जिसमें विलियम वॉलेस को एक तरीके से ट्रेटर बताया गया, देशद्रोही बताया गया। और उनकी मौत बहुत ही भयानक तरीके से हुई। उनका सर काट के लटका दिया गया पूरी जनता के सामने और बची हुई बॉडी को पूरे देश में घुमाया गया। इसीलिए विलियम वॉलेस को आज भी हीरो माना जाता है और उनके ऊपर मूवी भी है ब्रेव हार्ट करके। बट विलियम वॉलेस के मरने के बाद रॉबर्ट ब्रूस ने भी काफी कोशिश करी स्कॉटलैंड को आजाद रखने की, बट उनके मरने के बाद ही इंग्लैंड और फ्रांस का वॉर शुरू हो गया। ये काफी फेमस वॉर है जो कि 1337 से 1453 तक चला था, यानी 100 साल से भी ज्यादा। इसीलिए इसको 100 ईयर्स वॉर भी बोला जाता है। और इसी वॉर की वजह से इंग्लैंड का काफी ध्यान हट गया था स्कॉटलैंड के ऊपर से। बट जैसे ही जेम्स 6 को राजा बनाया गया, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड ही नहीं, आयरलैंड और वेल्स सारे मिलके यूनाइटेड किंगडम बन गए थे। और क्योंकि उस समय एक तरीके से ट्रेंड सा चल रहा था यूरोप पे हमला करने का, तो स्कॉटलैंड ने भी सोचा क्यों ना हम भी पनामा के ऊपर हमला कर दें और उसको कब्जा कर लें। बट ऐसा हो नहीं पाया। स्कॉटिश आर्मी बहुत बुरी तरीके से हार गई थी और उनके सारे पैसे, सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए थे। और इसी पैसे की तंगी की वजह से शुरू हुआ यूनियन विद स्कॉटलैंड एक्ट, जहां पे पार्लियामेंट तो इंग्लैंड का रहता है बट देश इसके अंदर स्कॉटलैंड भी आ जाता है और इंग्लैंड भी आ जाता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी पूरी कहानी का शायद मेन पॉइंट यही है, क्योंकि उस समय स्कॉटलैंड के कुछ टॉप के लोगों को फायदा हो रहा था यूनाइटेड किंगडम से हाथ मिलाने में, जिसके वजह से ट्रेड बढ़ गया और उनके पैसे बहुत ज्यादा बनना शुरू हो गए थे। बट ये सब चीजें लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगी और स्कॉटलैंड में होम रूल की मांग शुरू हो गई। यानी स्कॉटलैंड वाले ये चाहते थे कि वो पूरा का पूरा देश अपना खुद ही चलाएं। बट उसी समय वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया, जिसमें इंग्लैंड बहुत ज्यादा बिजी था, जिसके वजह से उन्होंने स्कॉटलैंड की जो मांग थी वो बिल्कुल ही एक तरीके से इग्नोर कर दी। और उसी समय स्कॉटलैंड की जो दो पार्टीज थी, नेशनल पार्टी ऑफ स्कॉटलैंड और स्कॉटिश पार्टी, दोनों ने कहा कि यार ये इंग्लैंड तो वर्ल्ड वॉर 1 में बिजी है, ये हमारे देश को क्या देखेगा, इससे अच्छा ये है कि स्कॉटलैंड आजाद हो जाए, वो अपनी देखरेख खुद ही करे। और इसीलिए ये दोनों पार्टीज एक हो गई और इन्होंने स्कॉटिश नेशनल पार्टी बनाई। इस पार्टी को शुरुआत में तो कोई बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला, उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला, बट इसी समय स्कॉटलैंड की किस्मत बदली और उन लोगों को वहां पे तेल का भंडार मिला। इतना सारा
रॉयल मिलने के बाद स्कॉटलैंड का अमीर होना एक तरीके से तय था, बट वहां लोगों ने नोटिस किया कि ये सारा तेल इंग्लैंड वाले खुद अपने लिए ले जा रहे थे और अपने देश को एक तरीके से डेवलप कर रहे थे। और यही देखते हुए वहां पे नॉर्मल लोगों का गुस्सा बढ़ा और उन्होंने SNP को सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि नई नई स्कॉटलैंड को अपनी तरीके से बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए और खुद का एक देश बना लेना चाहिए। इसीलिए 1997 में एक रेफरेंडम हुआ जहां पे उन्होंने बोला कि एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एनवायरमेंट और हेल्थ केयर, ये सारे के सारे चीजें अब स्कॉटलैंड अपने आप से खुद ही देख सकता है। मतलब इन सब चीजों में इंग्लैंड उनको कोई भी परेशान नहीं करेगा, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएगा। बट असली चीजें जहां पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है या पैसा बनता है वो इंग्लैंड ने अपने पास ही रख लिया, जैसे इमिग्रेशन हो गया, फॉरेन पॉलिसीज हो गई, आर्मी वगैरह या फिर एम्प्लॉयमेंट वगैरह, ये सारी की सारी चीजें अभी भी इंग्लैंड के कंट्रोल में थी। बस इन्हीं सारे रीजंस के वजह से स्कॉटलैंड में बहुत ज्यादा मांग उठने लगी कि वो चाहते हैं कि लंदन का रूल अब पूरी तरीके से खत्म हो जाए स्कॉटलैंड पे। बट 2014 में फिर से रेफरेंडम हुआ और हुआ ये बहुत ही एक मार्जिन के वजह से। 55% लोगों ने बोला कि हम अभी भी इंग्लैंड के साथ रहना चाहते हैं और 45% लोगों ने बोला कि हमें अलग हो जाना चाहिए। इसी वजह से स्कॉटलैंड अभी तक इंग्लैंड से अलग नहीं हुआ है। बट एग्जैक्टली इसी रेफरेंडम के बाद 2020 में ब्रेक्सिट होता है, मतलब अब यूनाइटेड किंगडम अलग हो चुका है यूरोपियन यूनियन से। इसको तुम एक तरीके से ब्रिटिश एग्जिट भी बोल सकते हो, जो ऑफ कोर्स फिर से मेजॉरिटी के वोट के वजह से ही हुआ था। बट यहाँ पे स्कॉटलैंड वाले लोग नहीं चाहते थे कि वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाए। जैसा कि तुम साफ साफ देख सकते हो 62% लोगों ने बोला कि वो अभी भी यूरोपियन यूनियन के साथ रहना चाहते हैं, बट फिर भी मेजॉरिटी के वजह से उनको अलग होना ही पड़ा। और अगर स्कॉटलैंड एक अपने आप में एक देश होता तो वो उसको इंग्लैंड की सुननी नहीं पड़ती। इन्हीं रीजंस के वजह से 2014 के बाद से तो और भी ज्यादा मांग उठ रही है और लोग नहीं चाहते कि इंग्लैंड का अब दबदबा बना रहे स्कॉटलैंड के ऊपर। और कहानी वहीं पे आके आती है कि जो लोग चाहते भी इंग्लैंड के साथ रहना, उनका रीजन सिर्फ यही है कि 60% ऑफ एक्सपोर्ट जो होते हैं वो यूके के साथ ही होते हैं, यानी स्कॉटलैंड काफी बड़ा हिस्सा अपना यूनाइटेड किंगडम से ही कमाता है। बट कई लोगों का मानना है कि अगर स्कॉटलैंड अलग देश भी बन जाएगा तो वो फिर भी पैसे कमा लेगा। तो बस इसी कहानी में रिसेंटली एंट्री ली है हमजा यूसुफ ने, जो खुद कह रहे हैं कि वो भी चाहते हैं कि स्कॉटलैंड अब अलग हो जाए, किससे, इंग्लैंड से। और लास्ट कुछ साल में भी तुम देखोगे तो यूनाइटेड किंगडम बिल्कुल नहीं चाहता कि स्कॉटलैंड इंडिपेंडेंट हो जाए। जैसे बोरिस जॉनसन जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी साफ साफ बोल दिया कि स्कॉटलैंड को अलग होने की कोई जरूरत नहीं है। और अब ऋषि सुनक जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि स्कॉटलैंड को अभी कोई रेफरेंडम की जरूरत नहीं है। उनके हिसाब से 2014 में ही अभी रेफरेंडम हुआ था और इसे बार बार कराने का कोई पॉइंट नहीं है, तो इस चीज पे एकदम से सोच विचार करने का अभी कोई पॉइंट नहीं बनता है, इसको टाइम लेके सोचा जाएगा। बट आज के पॉइंट पे बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड अब अलग हो जाएंगे। और तुम्हें क्या लगता है, क्या स्कॉटलैंड को इंग्लैंड के साथ रहना चाहिए या अलग हो जाना चाहिए? कमेंट्स में लिख के जरूर बताओ।